एवरीवन, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स। आज बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आई है नोकिया और एचपी कंपनी की तरफ से। यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है, एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, वो लोग किस रोल के लिए हायरिंग कर रहे हैं, सब चीज़ अपन इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट करे हुआ है डिस्कशन के लिए, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आई हुई है नोकिया कंपनी की तरफ से। तो नोकिया यहाँ पे हायरिंग कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर डिजिटल ट्रस्ट के लिए। लोकेशन यहाँ पे गिवन है बैंगलोर। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे कौन से ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है अपन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कैंडिडेट विद डिग्री इन अ टेक्निकल फील्ड सी एस डबल ई एक्सेट्रा विल बी मोर रिलीवेंट रहने वाला है। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग के पास में मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे आप लोगों का प्लस माना जाएगा। यहाँ पे आप लोग के पास में एटलीस्ट 0 to 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। मीन्स यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। टेक्निकल स्किल की यहाँ पे अपन बात करें क्या क्या टेक्निकल स्किल होने वाली है यहाँ पे, तो आप लोग के पास में गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का, देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप लोगों का परफेक्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आप लोग के पास में जावा, देन जावा APIs का, J2EE का, SQL डेटाबेस का, देन यहाँ पे नॉलेज इन ओपन स्टैक, उसके बाद में माइक्रो सर्विसेस, उसके बाद में यहाँ पे गिवन है आप लोग के पास में नॉलेज होना चाहिए पब्लिक क्लाउड टेक्नोलॉजी का, जो कि अपन बोल सकते हैं गूगल क्लाउड, और उसके बाद में AWS, बेसिक नॉलेज इन नेटवर्क सिक्योरिटी, उसके बाद में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए यहाँ पे पाइथन पर्ल। ओके, नॉलेज होना चाहिए यूनिट टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स का। ओके, अगर आप लोग के पास में ये नॉलेज है तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन और देख लेते हैं डिजायर क्वालिफिकेशन गिवन है यहाँ पे, वो भी अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी टूल एंड टेक्नोलॉजी, एनी सर्टिफिकेशन इन अ सिक्योरिटी एरिया आर एन एसेट। उसके बाद में आप लोग के पास में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिप्टोग्राफी का, नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजीज लाइक रिएक्ट JS। ओके, नॉन टेक्निकल स्किल भी यहाँ पे गिवन है, उनको नॉन टेक्निकल में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रेडी रहना चाहिए कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए, न्यू स्किल के लिए। एक्सपीरियंस रहना चाहिए अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस का, आप लोगों को पता रहना चाहिए अजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी वर्क होती है। देन यहाँ पे एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट प्लेस इन्वायरमेंट टू डिलीवर अ क्वालिटी सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे आप लोग के पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग रहनी चाहिए, एक्सीलेंट आप लोगों का इंटरपर्सनल और टीम स्किल रहनी चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन भी अच्छी रहनी चाहिए, फ्लुएंट इन ओरल एंड रिटन इंग्लिश। ओके, अगर आप लोगों के पास में ये सब स्किल है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो नोकिया कंपनी में। अप्लाई के लिए आप लोग देख सकते हो ऊपर यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब गिवन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग ये वाले पेज पे आ जाओगे, ये वाले पेज पे आप लोग देख सकते हो रिक्रूटमेंट प्राइवेसी स्टेटमेंट गिवन है, जिसमें आप लोगों को ये आई एक्नॉलेज पे क्लिक करना है। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करने के बाद में आप लोग ये वाले पेज पे आओगे लॉगिन के। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू यूजर का बटन गिवन है, उस पर क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। या फिर आप लोग यहाँ पे अप्लाई विथ लिंक्डइन भी कर सकते हो और आप लोग ये कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी फर्स्ट लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नोकिया कंपनी की तरफ से थी। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के तरफ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आप लोगों को 5 to 40 lakh पर तक का पैकेज चाहिए होगा, या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो भी बिना किसी फीस के, यहाँ पे गारंटी CTC के साथ में आप लोगों को प्लेस किया जाएगा टॉप MNC कंपनी में, तो उसके लिए आप लोगों को न्यूटन स्कूल की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ज़रूर से ज़रूर जाके चेक कीजिए, अगर आप लोगों को सही में अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फिर आप लोगों को अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए होंगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कीजिए।
अब चलते हैं अपने सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन पे जो कि आई हुई एचपी कंपनी की तरफ से। तो एचपी यहाँ पे हायरिंग कर रही है कॉलेज इंटर्न के लिए, लोकेशन यहाँ पे बैंगलोर है, बैंगलोर के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो इनको यहाँ पे कॉलेज इंटर्न चाहिए, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की गिवन है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या गिवन है, तो इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी में रहने चाहिए। उसके बाद में अबाउट एचपी गिवन है, क्या क्या कंपनी के बारे में है। अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, देन आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग हो रही है, लोकेशन यहाँ पे बैंगलोर है। उसके बाद में यहाँ पे पैकेज गिवन है 3.5 लाख पर एनम तक का। अब बात करते हैं अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 2019 टू 2022 के बैच के एमसीए और एमएससी सीएस आईटी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गुड एकेडमिक आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। स्किल क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के पास में गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, देन फंडामेंटल्स, एल्गोरिदम्स, डेटाबेस, लॉजिकल एंड प्रोग्रामिंग आप लोग की स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप लोग के पास में ये स्किल है तो यहाँ पे आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉग इन टू अप्लाई का बटन गिवन है, उस पर क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी थ्री लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स वाले भी और एक्सपीरियंस वाले भी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।